उसी का इस्तेमाल करना है। साइन एक्स प्लस वाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ पाई बाय टू माइनस एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर हम लोग इसको कॉस ऑफ पाई बाय टू माइनस एक्स माइनस वाई लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। बोलोगे सर क्यों कर रहे हो, ऐसा करने से प्रूफ हो जाता है इसीलिए ऐसा करना पड़ रहा है। अब इस पे कॉस एक्स माइनस वाई की आइडेंटिटी लगाते हैं, क्या आएगा, कॉस ऑफ पाई बाय टू माइनस एक्स कॉस वाई प्लस साइन ऑफ पाई बाय टू माइनस एक्स इंटू साइन वाई, यही होती थी आइडेंटिटी। कॉस पाई बाय टू माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स, साइन एक्स कॉस वाई प्लस साइन पाई बाय टू माइनस एक्स कितना है, कॉस एक्स साइन वाई, यही हमारी आइडेंटिटी है। साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, याद रखना है, भूलने की कोशिश नहीं करना है। एंड देन जब ये आइडेंटिटी आ गई, हम लोग वाई की जगह माइनस वाई रख देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस वाई, यह निकालेंगे तो क्या होगा, साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ माइनस वाई प्लस कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ माइनस वाई, हो गया यार। तो ये क्या देगा हमें, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन ऑफ माइनस वाई कितना होता है, माइनस साइन वाई, क्या मिल गया हमें, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स